इन दिनों योग गुरु रामदेव अपने एलोपैथी पर दिए बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं और डॉक्टर्स रामदेव की गिरफ्तारी की मांग सरकार से कर रहे हैं। योग गुरु रामदेव के बयानों के बाद एक मीडिया उनसे लगातार सवाल कर रहा है तो दूसरा मीडिया रामदेव का बचाव कर रहा है। आज इस वीडियो में बात रियल मीडिया और गोदी मीडिया द्वारा रामदेव पर उठाए जा रहे सवालों पर करेंगे। हाल ही में बाबा रामदेव ने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया, देखते हैं इन इंटरव्यू में क्या रहे एंकरों के सवाल। न्यूज 18 पर रामदेव का इंटरव्यू हुआ, देखते हैं एंकर अमीश देवगन ने सवाल रामदेव से क्या किए। बाबा रामदेव, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, इस समय देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे, क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? मैंने देखा आपका एक संवाद और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर लेले को आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े सम्मानित डॉक्टर है वो IMA के, लेकिन उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया आपके साथ एक कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? ये माना जाता है ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है ऐसा माना जाता है और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है, तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी, क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला करोड़ों योद्धाओं का निरादर कर दिया। रामदेव द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद इंटरव्यू TV9 भारतवर्ष पर भी हुआ। इस इंटरव्यू में सवाल तो हुए पर एंकर के सवाल ज्यादातर रामदेव के पक्ष में ही थे। सवाल तो ये है कि बिजनेस आप कर रहे हैं, ये तो आरोप है आपके ऊपर, और इस बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं आप एलोपैथ को टारगेट कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। और दूसरा ये कि जब आपको या आपके सहयोगी जब बीमार पड़ते हैं तो आप एलोपैथी की दवाई तो लेते हैं। गलत है जी। देखो अगली बात, ये जीवन का अधिकार की बात कर रहे हो, जीवन ही रहना चाहिए चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, ये बात तो सही है ना बाबा? क्या आप अपने फॉलोअर्स को मैसेज देने के लिए, बहुत सारे लोग संशय में हैं, मेरी बात हुई है बाबा, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से कई ने मेरे से फोन पर ये बात की है कि अभी बाबा ने नहीं लगवाया, अभी हम इंतजार करेंगे। आप क्या उनके लिए, उनको मैसेज देने के लिए आप पहले अपने आप को आगे करेंगे, वॉलंटियर करेंगे? आज से कल तक में वैक्सीनेट करा के लोगों को तसल्ली देंगे? मुझे लगता है TV9 पे आज आप घेर घोट के मेरा वैक्सीनेशन करा के छोड़ोगे। आज तक पर एक डिबेट में रामदेव और डॉक्टर आमने सामने आए। इस डिबेट में एंकर अंजना ने रामदेव से कोई काउंटर सवाल नहीं किया, ज्यादातर उनकी बातें सुनती नजर आई। राजन शर्मा, आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दवाइयां और ओवर सब प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, और उन्होंने उनकी जो वो पूरी बाइट भी है उसमें वो आगे स्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं और स्टेरॉइड्स के मिसयूज की बात इस बार आई है, जो खुद कई डॉक्टर्स ने, खुद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। तो एक कोरोनर जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। डॉक्टर राजन, मैंने और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400-500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के पेशेंट हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस के, इसका जवाब ले रहे हैं आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सॉल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, तीन सवाल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, पहला सवाल ये है, वो कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है? अब बात इस मीडिया की करते हैं जो अक्सर सवाल करता है और जनता के मुद्दों पर चर्चा भी करता है। NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी डिबेट में रामदेव के बयानों को लेकर कुछ सवाल किए और आलोचना भी की। एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जिसे लेकर रामदेव ने माफी मांग ली। IT सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए, भटकाया जाए, किस तरह के बहाने बनाए जाए जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथा कथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था, कोई एक्शन नहीं हुआ, विवादित आंकड़ा ही सही। तथा कथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के दो दो मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी
मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और ICMR ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने भी रामदेव पर कुछ सवाल उठाए और कुछ जानकारी भी दी अपनी वीडियो में। इस बाबा को अगर ये गुमान ना होता कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सत्ता इनके चारों तरफ घूमने वाली है, इनका इनका कवच बनकर इनका बचाव करेगी, तो इस बाबा की क्या मजाल कि देश के डॉक्टर्स का अपमान करते, उन हजारों लाखों ऐसे कोरोना वॉरियर्स का अपमान करते जो हर रोज दिन रात देश के कोने कोने में जिंदगियां बचाने के लिए 2400 घंटे तपस्या कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन बाबा तो बाबा है, क्योंकि बाबा को बाबा के माथे पर सत्ता का हाथ है, या कहें सत्ता बाबा के सामने साष्टांग दंडवत है। कि उस वैक्सीन का मजाक स्वामी रामदेव उड़ा रहे हैं। बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई वैक्सीन पर सवाल उठाता है, जिसने भी पहले उठाए, लेकिन अब तो स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि उस वैक्सीन को लेने वाले हजार डॉक्टर्स मारे गए, उनकी मौत हुई, मतलब वैक्सीन बेकार है। तो क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए कि उस वैक्सीन को जिसे प्रधानमंत्री मोदी मेड इन इंडिया वैक्सीन कहते हैं, जिस पर गर्व महसूस करते हैं, पूरे देश में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, उस मुहिम को पलीता नहीं लगा रहे हैं स्वामी रामदेव ये कहते हुए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अतुल अग्रवाल ने भी अपने चैनल हिंदी खबर पर योग गुरु रामदेव से तीखे सवाल किए और उन्हें इंटरव्यू देने को कहा। कि आप जिन चैनलों पे मोटे मोटे विज्ञापन देते हो, पैसवा देते हो, जिन चैनलों को आपने खरीदा हुआ है, उन चैनलों पे तो आके आप इंटरव्यू करते हो। आज 17 चैनल पे, 18 चैनल पे, 9 चैनल पे हिंदी खबर पर अगर आप में साहस है, नैतिक बल, नैतिक सामर्थ्य है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर आप सच्चाई के सारथी हैं लाला रामदेव, तो आइए और मेरे साथ बैठिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ लाला रामदेव जी आपको कि अगर आप में हिम्मत है तो हिंदी खबर के मंच पर आकर एक घंटे का लाइव अनकट इंटरव्यू करिए। मैं रहूंगा और आप रहेंगे, तीसरा कोई नहीं, जनता साक्षी रहेगी। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो कि मेदांता, मैक्स, अपोलो और कोकिलाबेन जैसे बड़े अस्पतालों में 5,000 रुपए प्रतिदिन से कम का कमरा नहीं है, तो भाई साहब आपके जो राज ऋषि, मुनिराज, महर्षि और तपस्वी आम के पेड़ के बाजू में जो टेंट लगाए हैं आपने बाबा रामदेव, सॉरी लाला रामदेव, तो यहाँ पे भी तो भाव 6,000, 5,500, 4,000, 4,500 पर डे का भाव है, और जो दवाई आप दोगे वो अलग से, ये क्यों है? मीडिया अगर सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम तो उम्मीद ही करेंगे कि गोदी मीडिया भी जरूरी मुद्दों पर सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।